शिवपुर गांव में एक बहुत ही पुराना पेड़ था जिस पर एक कौवा और कोयल दोनों रहते थे। एक बार दूसरे गांव से आए दो युवक उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। कोयल अपनी मधुर आवाज में गाने लगी। वाह, कितनी मधुर आवाज है इस कोयल की। इसके गाने ने तो मानो हमारी सारी थकान पल भर में ही गायब कर दी। कितना आनंद आ रहा है इसका गीत सुनकर। ऐसा लग रहा है ये सारा दिन ऐसे ही गाती रहे और हम इसके मधुर गीतों में खोए रहे। कुछ देर गाने के बाद कोयल चुप हो जाती है। तभी कौवा काएं काएं करना शुरू कर देता है। इस कौवे ने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। कौवे की कर्कश आवाज सुनकर उन दोनों राहगीरों ने पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। कौवा डर कर वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद जब वो दोनों वहाँ से चले गए तब कौवा आकर उस पेड़ पर वापस बैठ गया। कौवा रोते हुए कोयल से कहने लगा, भगवान ने मेरे साथ बड़ा ही अन्याय किया है। ऐसा क्यों कहते हो, तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय हुआ है? देखो ना बहन, एक तो भगवान ने मुझे इतना काला रंग दे दिया और ऊपर से आवाज भी कर्कश वाली दे दी। जहाँ भी बैठकर कुछ बोलना चाहूँ तो लोग आवाज सुनकर पत्थर मारने लगते हैं। और एक तुम हो, भले ही तुम्हारा रंग काला हो लेकिन बोली इतनी मीठी है कि तुम्हें सभी सुनना चाहते हैं। तुम्हें कोई नहीं भगाता। यही तो विधाता का खेल है मेरे भाई। वो जिसे जैसा बनाता है उसे वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है। तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरी भी तुम्हारी तरह मधुर आवाज हो जाए। ये तो कोई नहीं कर सकता कि तुम्हें कोयल बना दे, सिवाय उस शिवजी भगवान के। विधि विधान को बदलने की क्षमता तो केवल शिवजी के ही पास है। एक वही है जो ब्रह्मा जी के लेख में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर तुम कैलाश जाकर शिव जी से प्रार्थना करो तो वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। कौवा वहाँ से उड़कर दो दिन का सफर तय करके कैलाश शिव जी के पास पहुँच जाता है। प्रणाम प्रभु। गागराज, आज कैलाश किस कारण वशाना हुआ? इसके बाद कौवे ने अपनी सारी व्यथा शिव जी को सुना दी। उसकी कहानी सुनने के बाद शिव जी बोले, हे कागराज, तुम इतने दुखी ना हो। तुम जैसा चाहते हो मैं तुम्हें वैसा बना दूंगा, किंतु मैं चाहता हूँ कि कोयल बनने से पहले तुम एक बार कोयल से जाकर पूछ लो कि वो कितनी सुखी है। शिव जी की बात सुनकर कौवा कोयल के पास जा पहुँचा और उसको अपनी और शिव जी के बीच हुई सारी बात बता दी। फिर कोयल उससे कहने लगी, भैया मेरी आवाज भले ही मीठी है पर रंग काला है। अंधेरे में मैं दिखाई नहीं देती। मुझसे अच्छी जिंदगी तो हंस की है जो कितना सफेद है। सभी देखना चाहते हैं उसे। सारा दिन सरोवर में रहता है, कितना सुंदर लगता है। हर कोई उसे देखना चाहता है। कोयल की बातें सुनकर कौवे का मन बदल गया और वो फिर शिवजी के पास पहुंचा। प्रभु, अब मुझे कोयल नहीं बनना। वो तो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, किंतु हंस जरूर अपनी जिंदगी से खुश होगा। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर हंस बना दूंगा, पर एक बार जाकर तुम हंस से पूछकर आओ कि वो कहीं अपनी जिंदगी से दुखी तो नहीं है। कौवा एक बार फिर उड़कर हंस के पास पहुंचा। भाई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे ना? नहीं भाई, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। लेकिन तुम्हारा शिकार कौन करेगा? आजकल हर कोई पानी में रहने वाले पशु पक्षियों को मारकर खा लेते हैं। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे मार ना दे। यही मेरी जिंदगी है। सच कहूँ तो जिंदगी तो तोते की अच्छी होती है, हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच। हंस की बात सुनकर कौवा तोता बनने की ख्वाहिश पाल लेता है और वो शिव जी के पास जाकर कहता है, प्रभु मुझे तोता बना दीजिए। कागराज, तुम एक बार तोते से जाकर पूछो कि कहीं उसको भी अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। उसके बाद कौवा तोते के पास चला जाता है और उससे पूछता है, दोस्त तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे, तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। तुम अपनी इस चोंच से स्वादिष्ट खाना खाते हो। हरा हरा सा खूबसूरत रंग है तुम्हारा, लाल लाल सुंदर सुंदर चोंच है तुम्हारी। देखने में कितने सुंदर हो, सब लोग तुम्हें मिट्ठू कहकर बुलाते हैं। दोस्त, मेरी सुंदरता ही तो मेरी जान का कारण है। मुझे हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में ना बंद कर दे, मेरी आजादी ना छीन ले।
असली सुंदरता तो मोर के पास है, सुंदर सुंदर पंख, और जब वो नृत्य करता है तो कितना सुंदर लगता है। तोते की बात सुनने के बाद कौवा शिवजी के पास गया और बोला, प्रभु ना ही मुझे हंस बनना है और ना ही तोता, कृपा करके मुझे मोर बना दीजिए, मोर तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा। गागराज, तुम एक बार मोर से भी पूछ लो, उसे कहीं अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। कौवा मोर को ढूंढने गया लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर वो उसे चिड़ियाघर में मिलता है। भाई तुम दिखने में कितने सुंदर हो, जब तुम नाचते हो तो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, लोग तो तुम्हारे साथ फोटो खींचने में कितने खुश रहते हैं, और एक मैं काला कलूटा, अगर मैं किसी की छत पर भी बैठ जाऊं तो वो मुझे वहां से भगा देते हैं। अरे काहे की सुंदरता, इसी सुंदरता के कारण तो आज मैं पिंजरे में कैद हूँ। अगर बाहर रहता हूँ तो हर समय डर रहता है कि कब न जाने कौन आकर मेरे पंख नोच ले, कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। सबसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है, ना ही तुम्हें कोई पकड़ता है और ना ही तुम्हारा शिकार करता है, अपनी आजादी में रहते हो, लेकिन फिर भी न जाने क्यों तुम्हें खुद से शिकायत रहती है कि तुम्हारा रंग काला है और आवाज बेकार है। सच कहूँ तो यही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मुझे कौवा ही बनाए। मोर की बातों को सुनकर अब कौवे को समझ में आ चुका था कि ईश्वर वही करता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, ना कि वो जो तुम्हें पसंद हो। ये सोचकर कौवा फिर शिवजी के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु मुझे ना तो तोता बनना है, ना कोयल, ना हंस और ना मोर, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ प्रभु। शिवजी उसकी बातें सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, कागराज यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, हमें किसी से खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा दुख का कारण ही बनती है और हर कोई अपने आप में श्रेष्ठ है। अब कौवे को सारी बात समझ आ चुकी थी, वो शिवजी से आज्ञा लेकर खुशी खुशी वापस कोयल के पास लौट जाता है।